साइन 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 1/16, ये प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं जरा देखो। फॉर्मूले साथ साथ लिखेंगे, जो जो फॉर्मूला यूज होगा मैं लिखता रहूंगा। वो सबसे पहली बात तो ये देखो कि एक वैल्यू हमें पता है, ये वाली पता है, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। अगले स्टेप पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। अब अंदर ये साइन 10 और साइन 50 को एक साथ लिख दिया, और ये साइन 70 अलग कर, किसी को भी लिख सकते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, ध्यान से समझना जरा। इन सारे क्वेश्चंस के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 2 sin A sin B किसके इक्वल होता है, cos A - B - cos A+B। टू cos A cos B जो भी यूज होगा वो इन्हीं में से एक यूज होगा, ये होता है cos A - B cos A+B। और एक थर्ड है साइन 2 sin A sin B, 2 sin A sin B होता है sin A+B + sin A - B। इसी से काम चल जाएगा, फोर्थ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इस वाले में क्या रखना है तुम्हें कि अगर साइन (2 sin A cos B) क्या बात याद रखनी है कि अगर दोनों साइन है तो कोस वाले को माइनस करते हैं, दोनों कोस है तो कोस वाले को प्लस करते हैं, एक साइन और एक कोस है तो साइन वाले को प्लस करते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है, मान लिया ए आ गया हमारा एक्स, साइन के साथ एक्स और बी के साथ 2x, तो यहाँ पे एक्स माइनस 2x करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूले में से हर क्वेश्चन में दो यूज होंगे या एक यूज होगा। तो जैसे मैंने बताया साइन 10 और साइन 50, तो इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, cos A - B, बड़े वाले को ए मान लिया, माइनस cos A+B। ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए अब तुम एक बात देखो कि फॉर्मूले में तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं, तो ये वाला 2 जो है अपॉन में आ जाएगा नीचे, यानी इस 2 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, अंदर आ गया cos 40 और sin 70 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos 60 sin 70, ठीक है। हमें लाना है 1/16, तो 4 आ चुका है, पहले 2 था फिर 4 हो गया, अब 8 हो जाएगा, फिर 16। तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में अब हम लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला। ये क्या होता है, sin A+B, साइन वाले एंगल को हमें ए लेना है, तो ए प्लस बी कितना हो गया 110 प्लस साइन ए माइनस बी 30 अपॉन 2। अब 2 क्यों लेंगे अपॉन में, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं था, माइनस ऐसे इसमें लगा देते हैं, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ रही लगाने की, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, ना पता होती तो लगा देते हैं,
तो अभी ये टू बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन बाई एट। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं ये रख कर रहा हूँ। रिपीट कर देता हूँ एक बार, जब तक जो ये चार पांच वैल्यू यहाँ पे दे रखी होंगी इनमें से अगर तुम्हें कोई वैल्यू पता है तो उसको साइड में रख दो, और कोई सी दो वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर ले लेना है तुम्हें, जैसे इन दोनों को ले लिया। फिर इसमें जो भी फॉर्मूला इन तीनों में से लग रहा है वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों साइन होंगे या दोनों कोस होंगे या एक साइन एक कोस, वो लगाने के बाद हर बार टू अपॉन में आएगा। फिर जो बाहर है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। देखो अब देखो भैया, टू फिर बाहर आ गया तो कितना हो गया, वन बाई एट, अंदर कितना बच गया, साइन 110, ये कितना बच गया 110, तो उसको लिख दो 90 प्लस 20 प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, साइन 70 इसको लिख दो 90 माइनस 20। हर क्वेश्चन में यही सिचुएशन आएगी, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो गया कोस 20, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों में कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1/60। तो ऐसा करते हैं ये वाला प्रश्न।